नमस्कार, वीकेपी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में रविंद्र भोयर हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। सोमवार को रविंद्र भोयर लेंगे कांग्रेस में प्रवेश। कल्याण में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की उपस्थिति। और महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की कोशिश, आम जनता पर पुलिस ने दिखाई बर्बरता, फडणवीस ने लगाया आरोप। विधान परिषद के नागपुर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा ने पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस का उम्मीदवार अब तक तय नहीं हुआ है। पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन पालक मंत्री नितिन राउत और क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार का उन्हें खुलकर साथ नहीं मिला। अब भाजपा में फूट डालकर भाजपा के पार्षद व नागपुर सुधार प्रन्यास के पूर्व विश्वस्त रविंद्र उर्फ छोटू भोयर को कांग्रेस की उम्मीदवारी देने को लेकर दोनों मंत्री तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा का संख्या बल अधिक है। भाजपा ने प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले को उम्मीदवारी देकर उनके राजनीतिक पुनर्वास का रास्ता खोल दिया है। मनपा सहित नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव सिर पर है। ऐसे में इस बात में कोई संदेह ही नहीं कि बावनकुले सहित भाजपा यह चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस से उम्मीदवारी के लिए कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ले रहा है। राजेंद्र मूलक ने पार्टी से इच्छा जताई थी। कांग्रेस के वोटर वाले जनप्रतिनिधियों में भी मूलक की कोई चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारी तय करने के लिए हुई बैठक में दोनों मंत्रियों ने मूलक के नाम पर विशेष जोर नहीं दिया। भोयर को उम्मीदवारी देने पर भाजपा का नागपुर शहर का एक बड़ा वर्ग टूट सकता है, ऐसा इन दोनों मंत्रियों का दावा है। इस बीच भाजपा के नगर सेवक छोटू भोयर इन दोनों मंत्रियों के संपर्क। शनिवार को भोयर ने भाजपा के दो पदाधिकारियों के साथ प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले से उनके घर पर मुलाकात की थी। खैर, आज रविंद्र भोयर कांग्रेस में प्रवेश करने वाले हैं, जिसे देखते हुए विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ होना हो, लेकिन स्थानिक स्वराज्य संस्था ले चुनाव में कांग्रेस को रविंद्र भोयर के आगमन का लाभ होने वाला है, जो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में बेकाबू तवेरा पलटने से कार मैकेनिक की मौत हो गई, जबकि चालक सहित उसके 5 मित्र जख्मी हो गए। यह हादसा शनिवार की रात कोराडी मार्ग पर हुआ। मृतक में रितेश श्रीराम देशमुख, जबकि जख्मी में सुदर्शन वसंतराव कोरड़े, गोविंद डोभारे, वैभव भोयर, रोशन मोरघड़े बुटीबोरी के रहने वाले तथा अफजल अब्दुल कलीम खान मानकापुर समावेश है। मृतक रितेश देशमुख मैकेनिक है। रितेश और उसके मित्र बुटीबोरी तथा अफजल मानकपुर में रहता है। रितेश और उसके मित्रों के पास 2-3 4 पहिया वाहन सुधारने और बिक्री के लिए आए थे। इस सिलसिले में रितेश अपने मित्रों के साथ अफजल के पास गया था। सभी कार के पार्ट्स लेने के लिए गांधीबाग गए थे। वहां से खरीदी कार तवेरा से लौट रहे थे। यह तवेरा भी रितेश ने सुधारने के लिए लाई थी, उसे अफजल चला रहा था। रात 9:45 सावनेर हाइट पर डोमिनोज के सामने अफजल का तवेरा कार से नियंत्रण छूट गया। उसके सामने से जा रहे अज्ञात ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस टक्कर में तवेरा बेकाबू होकर रोड डिवाइडर की रोलिंग तोड़कर पलट गई। इस हादसे में सभी जख्मी हो गए। रितेश को सिर पर गंभीर चोट आई, उसे अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया। नागपुर शहर के गोकुलपेट की इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स दुकान और नारी रोड के एक मकान में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे अफरातफरी मच गई थी, लेकिन दमकल विभाग की मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया गया। पहली घटना गोकुलपेट में शनिवार के देर रात करीब 12:50 हुई। जयश्री इलेक्ट्रिकल नामक दुकान में आग लगी। इस आग में LCD, होम थिएटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने लगे। सूचना मिलने पर दमकल विभाग के सिविल लाइंस
और त्रिमूर्ति नगर फायर स्टेशन की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद दमकल कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। इस आग में इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने से 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया। दूसरी घटना नारी रोड पावर ग्रिड चौक कडू लेआउट में रविवार की शाम 4:30 हुई। मकान मालिक राजा कैथवास के किराएदार श्याम मांडवे के मकान में भी शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। आग में मांडवे के घर का कूलर, कपड़े, दस्तावेज और अन्य सामान जलने से 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। अमरावती में हुए हिंसाचार के दौरान जो परिस्थिति का सामना जनता को करना पड़ा, उस परिस्थिति पर अपना जवाब देते हुए जानबूझकर महाराष्ट्र में अराजकता फैलाई जा रही है, ऐसा आरोप महाराष्ट्र विधानसभा के विरोध पक्ष नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाया है। अपने अमरावती जिले के दौरे के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने जो दंगाई है उनको चेतावनी देते हुए जनता पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार की आपबीती मीडिया के सामने रखी। 12 तारखेला आपण बघितलं की अशाच प्रकारचा एक मोर्चा हा अमरावती मध्ये निघाला। पहिल्यांदा तर याला परवानगी होती की नव्हती? होती तर किती लोकांची परवानगी होती, ती कोणी दिली होती? ज्यांनी परवानगी दिली त्यांनी काय विचार करून दिली होती याची ही चौकशी झाली पाहिजे। आणि हा मोर्चा झाल्यानंतर परतीच्या वेळी समाजकंटकांनी ज्या प्रकारे दुकानं टार्गेट केली, लोकांना टार्गेट केलं आणि याच्या पाठीमागची भूमिका स्पष्ट दिसते की यातनं दंगा घडवायचा होता, म्हणूनच एका विशिष्ट समाजाची किंवा धर्माची दुकानं आणि व्यापारी यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात अमरावतीची परिस्थिती बिघडली। 13 तारखेला जी घटना घडली ती 12 तारखेच्या घटनेची रिॲक्शन होती। बघा, बाळासाहेब ठाकरेंचा फलक फडकवणारे कोण होते तुम्हालाही माहिती आहे, ते किती होते हे तुम्हालाही माहिती आहे, त्यामुळे कशाला असले प्रश्न विचारता? फक्त एवढंच आहे की ही संपूर्ण जी काही घटना आहे, मी पुन्हा एकदा सांगतो की 13 तारखेची घटना कुठल्या पक्षाची नव्हती, 13 तारखेची घटना ही 12 तारखेची रिॲक्शन होती। आणि हो, 13 तारखेच्या करता भारतीय जनता पक्षाने अमरावती बंदची हाक दिली होती, हो आम्ही दिली होती ती हाक, आम्ही ते डिनाइज करत नाही, 100% दिली होती आणि का करणार नाही। जर अशा प्रकारे लॉलेसनेस असेल आणि काही लोक जर अमरावतीमध्ये एका विशिष्ट समुदायावर जाऊन त्यांची दुकानं तोडफोड करत असतील तर आम्ही भारतीय जनता पक्ष चूप बसू शकत नाही। आम्ही मसानगंजला गेलो होतो, तिथे एक महिला मला भेटली, तिने सांगितलं की माझा मुलगा जो आहे हा आपली गाडी आत ठेवत होता कारण मॉब येत होता, गाडीची तोडफोड होईल म्हणून त्याला बाहेर पोलिसांनी काढलं आणि काढून त्याला घेऊन चालले होते। मी त्यांना हातपाय जोडले तर त्यांनी सांगितलं काही नाही, आम्ही पोलीस स्टेशनला नेतो आणि मग याला सोडून देऊ, आणि नंतर नेऊन त्याच्यावर 307 लावले। आता त्याच्यावर 307 लावण्याकरता काही मटेरियल आहे का? तो 307 हा फार मोठा गुन्हा आहे, याच्यामध्ये शस्त्र असले पाहिजेत, याच्यामध्ये हल्ला झाला असला पाहिजे, त्या हल्ल्यात जखमी असला पाहिजे, जखमी झालेला माणूस मरेपर्यंत जखमी झाला पाहिजे, असं काहीच नाही आहे, पण त्याला अरेस्ट करण्यात आली आहे। अशा प्रकारे अनेक लोकांवर एकतर्फी केसेस या ज्या लावणं चाललेलं आहे आणि मग आज बेल घेतली की उद्या पुन्हा केस लावायची, उद्या बेल घेतली की परवा पुन्हा केस लावायची, टार्गेट करून याद्या तयार करून म्हणजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचं 3 दिवसाचं अधिवेशन हे अन्यत्र होतं की अशांती ही कोणाच्याच भल्याची नसते, शांतताच प्रस्थापित झाली पाहिजे, कुठेही दंग्यांनी कोणाचाही फायदा होत नाही, त्यामुळे आम्ही पुढे जाऊन तुम्हाला मदत करायला तयार आहोत। पण अशा प्रकारे राजकीय दबावाखाली पोलीस एकतर्फी कारवाई जर करत असतील तर या कारवाईचा आम्हाला निषेध देखील करावा लागेल, विरोध देखील करावा लागेल, आणि म्हणून आम्ही हे ठरवलं आहे की अशी जर एकतर्फी कारवाई होत राहिली तर भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते एकत्रितपणे जेल भरो आंदोलन करतील। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार,
जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार भले ही खुद को किसानों की समर्थक कहती हो, लेकिन राज्य सरकार किसानों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। राज्य में अनेक जिले बेमौसम बारिश के चपेट में आने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन किसानों को जो मदद मिलनी चाहिए थी अब तक वो उससे वंचित है। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष आनंद राउत ने एक पत्रकार परिषद में राज्य सरकार पर लगाया है। बघा, या महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीच्या नावाने सरकार 2 वर्ष स्थापन झाले। खऱ्या अर्थाने हे महाविकास आघाडी सरकार नसून महाभकास आघाडी सरकार आहे। हे अत्यंत कुटारड सरकार आहे। आपणच पाठीमागे काय बोललो आणि सत्तेवर आल्यानंतर काय करायचं याचा विसर यांना टोटली पडलेला आहे। यांनी असं म्हटलं होतं की आम्ही जर सत्तेमध्ये जर आलो तर शेतकऱ्यांना किमान 25 ते 50 हजार रुपये हेक्टरी मदत देऊ, पण आता एवढी मोठी महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टी झाली, फडणवीसांचं ज्यावेळेला सरकार होतं त्यावेळेला सरसकट NDRFच्या निकषाच्या 3 पट मदत सरकारने देण्याचं काम केलं। एवढंच नाही तर 2 हेक्टरपर्यंत ही मदत होती आणि त्याच्यानंतर जे रेग्युलर शेतकरी होते त्यांना 50 हजाराचं कर्ज माफ करण्याचा GR 2019च्या GRमध्ये तो होता आणि त्याच्यावर अंमल पण झाला। पण या लोकांनी स्वतःच बोलायचं आणि जेव्हा शेतकरी संकटात आल्यानंतर केवळ 10 हजार रुपये हेक्टरी मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला यांनी पानं पुसलेली आहे। एवढंच नाही तर शेतकरी आमचा संकटात असताना या महाराष्ट्रामधल्या 44 लाख शेतकऱ्यांकडे जे वीज जोडणीचं कनेक्शन आहे त्याच्यापैकी किमान 7 ते 8 लाख शेतकऱ्यांचं कनेक्शन कापण्याचं महापाप यांनी केलं। एवढंच नाही तर या 22 तारखेच्या नंतर सरसकट लाईन कापण्याचा आदेश यांनी काढलेला आहे अशी माहिती आहे आणि त्याच्यामुळे मोठा आक्रोश या महाराष्ट्रामधील जनतेमध्ये आहे आणि एकीकडे मदत तर केलीच नाही पण जनतेच्या कमरेमध्ये लाद घालून त्यांना देशोधडीला आणण्याचा महापाप या सरकारच्या माध्यमातून होत आहे। भारतीय जनता पार्टी ST महामंडळ के आंदोलन को जानबूझकर बढ़ावा देकर आग में तेल झोंकने का कार्य कर रही है। ऐसा आरोप महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात ने किया है। जो लोग एयर इंडिया और रेलवे को बेच रहे हैं उन्होंने ST महामंडल की चिंता करनी नहीं चाहिए। ऐसा तंज अहमदनगर में कार्यक्रम के दौरान बालासाहेब थोरात ने भाजपा पर कसा है। ST बस आंदोलन मध्ये भारतीय जनता पक्ष हाथ फेटने का प्रयत्न करते थे उगड़ उगड़े खरं म्हणजे ज्यांनी एयर इंडिया विकली रेलवे विकता है त्यांनी आता ST मात्र बोलने का अधिकार त्यांना काही नाही। ST कामगारांच्या हिताची जपवणूक महाविकास आघाडीनं आतापर्यंत केलेलीच आहे। अजूनही आमचे परिवहन मंत्री त्यांच्याशी चर्चा करतायत, काहीतरी मार्ग निश्चित काढतील। बढती महंगाई के चलते काँग्रेस ने फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया है। जहां महाराष्ट्र के कल्याण में काँग्रेस ने भाजपा के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में काँग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की खास मौजूदगी रही, जो बढ़ते पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दरों को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महंगाई को कम करने के लिए सड़क पर रैली निकालकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आपल्याला लक्षात असेल की डीजल पेट्रोल आणि गॅसची ही कृत्रिम दरवाढ, आज डीजलचे भाव आपण पाहिले तर 22 रुपये लिटर आहे आणि 30 रुपये पेट्रोलचे। केंद्र सरकारने शेष वाढवून कोरोनाच्या महामारीच्या नंतर आर्थिक जी कमजोरी या देशामध्ये आली त्याच्यामध्ये पुन्हा ह्या महागाईचा जीवनावश्यक वस्तूच्या किमती वाढवून भाजपने देशाच्या जनतेचे खिसे कापण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। अजूनही 60 रुपये पर लिटर डिझेल आणि पेट्रोलवर केंद्र सरकार शेषच्या रूपानं जनतेच्या खिशातून लुटते आहे। ज्या ठिकाणी काँग्रेसचं सरकार आहे त्या ठिकाणी आम्ही वॅट कमी करून आम्ही राज्याच्या त्या जनतेला मदत करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस सरकारने केलेला आहे। राज्य सरकारलाही सुद्धा काँग्रेसच्या वतीनं विनंती करण्यात आली की राज्य सरकारने पण वॅट कमी करावे आणि त्या पद्धतीनं राज्याच्या जनतेला दिलासा द्यावा।
सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।